हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब्स एट आईक्यू के अंदर। मेरा नाम है रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है, बेसिक उसका टेंस हो रहा है और मैथ के अंदर मैं आपको DI के जो क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। तो ये मेरा चैनल है यूट्यूब का, आपने वीडियो देख ली होगी स्टार्टिंग में। आपको क्या करना है, पहले इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन आई या जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा लाइक के बटन पे क्लिक करना है, शेयर करना है आपके सोशल मीडिया पे, कमेंट करना है जो भी आपके व्यूज़ हैं वो। और ये है आपका टेलीग्राम का चैनल जॉब्स अड्डा IQ। ओके, जॉब्स अड्डा IQ टेलीग्राम का चैनल है ये, इसको आप ज्वाइन करोगे और इसमें क्या होगा, आपको डेली जो क्विज़ होती है वो करने को मिलेगी और उसमें आप डेली जो है क्विज़ करोगे। तो आज हम करेंगे टेबुलर DI। कौन सी DI? टेबुलर, टेबल के फॉर्म में कुछ DI होती है उसका एक पार्ट हम यहाँ पे करेंगे आज। टेबुलर DI का एक पार्ट हम यहाँ पे करेंगे और उसके अलावा थोड़ा सा टफ लेवल हम लेके आएंगे। अभी जो लेवल है वो इजी है और रेशियो बेस्ड टेबुलर DI है, रेशियो बेस्ड टेबुलर DI है, उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी। तो पहले हम फास्टली DI देख लेते हैं। देखिए, स्टडी द फ्लोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। तो बिलो क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं और यहाँ पर टेबल चार्ट जो है दिया गया है। आपको सिटी दी गई है 5, भोपाल, जबलमपुर, सतना, रेवा, ग्वालियर। इसमें टोटल पॉपुलेशन दी गई है और उस पॉपुलेशन में आपको रेशियो दिया गया है मेन एंड वुमेन का, इस तरीके से ये रेशियो है। तो इसको हम पहले अगर सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। जैसे मेन और वुमेन अगर हम निकालें हर एक सिटी के अंदर तो वो कितने होंगे, इसको आप सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है जैसे क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब अगर हम ये देखिए 5+9, 5 और 4 के रेशियो में मेन और वुमेन है, मैन और वुमेन जो है 5 और 4 के रेशियो में। तो 5+4 कितना होता है, 9। तो हम 9 की वैल्यू क्या मानेंगे, 9 की वैल्यू है 1089 जो है 9 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 121 क्या है, 1 की वैल्यू है। तो इसमें 5 की वैल्यू क्या होगी, हम इसको 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 और 12 60, और हम 4 से करेंगे तो 4 और 48, यानी ये वैल्यू जो है क्या आएगी, मेन और वुमेन, यानी मेन जो है वो 605 है और वुमेन जो है 484 है। इसी तरीके से हम इनको जबलमपुर, सतना, रेवा, ग्वालियर इनके अंदर इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको इजी क्वेश्चन लग रहा है, इजी DI लग रही है, तो आपको सारे सोल्व नहीं करने, आपको क्वेश्चन के हिसाब से, आप हो सकता है कि आपको इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम ना हो, तो ऐसे ना हो कि कई बार होता क्या है, देखो मान लो हम इसको सोल्व करने में लग गए, हमारे पास है 10 मिनट ही है, मान लो आपका पेपर जो है 10 मिनट तो मान ही नहीं सकते, मान लो 5 मिनट है आपके पास और आपको इस DI को सोल्व करना है। लेकिन अगर आप इनको मैन वुमेन यहाँ पे ये सोल्व करने बैठ गए, ठीक है, और कुछ ऐसा पूछा है क्वेश्चन में कि और भी कैलकुलेशन है, तो यकीन मानो आपसे जो है ना ये सिर्फ इसको सोल्व ही होगा, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो आपको इनको सोल्व करके आप क्या करोगे बताओ, अगर आप यहाँ पे सोल्व करने बैठ गए, आपको ये पूरा हो गया और टाइम अप हो गया, तो क्या फ़ायदा हुआ बताओ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस टेबल को सोल्व करने का कोई फ़ायदा हुआ आपको, नहीं हुआ ना। इसलिए मेरी राय मानो, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, अगर आपको लगे कि इसको सोल्व करना सारा ज़रूरी है तो करो, वरना आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन करते जाओ। मान लो अगर आपसे 2 क्वेश्चन भी हो गए ना 5 मिनट्स में, 2 क्वेश्चंस भी, तो मतलब 2 नंबर तो आपके पक्के होंगे ना। और अगर आप सीधा ये टेबल ही सोल्व करोगे तो वहाँ पर मार्क्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो आप मेरी राय मानिए, आप जो है क्वेश्चन पे जाइए पहले और क्वेश्चन के हिसाब से इनको सोल्व कीजिए। जैसे देखो, व्हाट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज़ टेकन टुगेदर, व्हाट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज़ टेकन टुगेदर। आपको एवरेज पॉपुलेशन बतानी है सभी सिटीजन की कितनी है, सभी सिटीजन की टोटल पॉपुलेशन की एवरेज कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैन और वुमेन के रेशियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने टोटल पॉपुलेशन का एवरेज पूछा है। तो हम टोटल पॉपुलेशन को प्लस कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से चाहे इस यहाँ से प्लस करो, चाहे यहाँ पे, जैसे ये 1000 है, ठीक है, ये भी 1000 है, 2000, 3000, 4000, क्या हो गया ये 4000,
ठीक। उसके बाद ये यहाँ पर अगर हम इधर वाली डिजिट करें तो ये 900, 200, 1100, 1100, 1100 और 800, 1900 और 1900 और 500 कितना हो गया 2400। तो ये यहाँ पे 2400 आ गया। उसके बाद ऐड करो 89 यानी 80 और 60 140 और 10 150, 150 और 10 160, 160 और 40 कितने हो गए 200। यहाँ पे 200 ऐड कर लो। उसके बाद 8 और 9 17, 17 और 5 17 और 12, 17 और 12 क्या हो गए 19। तो यहाँ पर इसको आप जो है कैलकुलेट कर लो, ठीक। इनको टोटल कैलकुलेट करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जो है, 5 से आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, 5 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, ठीक। तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 1, उसके बाद 163 पे जाएगा ये, 112 पे जाएगा और फिर ये 5 पे और फिर ये 8 पे। तो 1325.8 जो है इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका 1325, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। मैंने कैलकुलेशन वैसे की है, वैसे भी आप कर सकते हो, और सिंपल कैलकुलेशन जैसे आप करते हो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। जो मैंने किया उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही जॉब्स अड्डा IQ पे जाओगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ भोपाल एंड रेवा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ भोपाल एंड रेवा, रीवा और भोपाल में जो मेन है उनका डिफरेंस बताओ। यहाँ पे देखो, रीवा और भोपाल में जो मेन है रीवा और भोपाल में जो मेन है उनका आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आप 9 की वैल्यू 121 निकाली थी, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 और 60, ठीक है, यानी 605। और यहाँ पर ये 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं 15, यानी यहाँ पर 15 की वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू है 1815। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1 पे जाएगा, ठीक है, 3 और 0 फिर 2 पे और फिर 1 पे, और मल्टीपल इसको हम 8 करेंगे। यहाँ से भी आप कर सकते हो, जैसे अगर आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू भी 121 है, देखो 9 यहाँ पे 1 की वैल्यू भी 121 है, यहाँ पे 1 की वैल्यू भी 121 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 121 यानी 121 जो है कॉमन ले लेंगे, तो डिफरेंस कितना है आपका 8 और 5 में डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3 से हम इसको मल्टीपल करेंगे, 3 और 6 यानी 363 जो इसका आंसर होगा। तो डिफरेंस कितना होगा भोपाल और रीवा के अंदर 363, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, सॉरी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर मेन किसमें, जबलमपुर, सतना, ग्वालियर, ठीक है, इसके अंदर ये इकट्ठे लेने हैं टुगेदर, क्या बोला इसने टुगेदर बोला है ना, यानी नंबर ऑफ मैन इन जबलमपुर, नंबर ऑफ मैन इन जबलमपुर, सतना और ग्वालियर, जबलमपुर, सतना और ग्वालियर, ठीक है। और वुमेन, वुमेन क्या है यहीं पे जबलमपुर, सतना और ग्वालियर, इन में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या है, यानी यही तीनों मैन और यही तीनों वुमेन। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीनों मैन जो है ये इकट्ठे कर लेंगे और तीनों वुमेन इकट्ठे कर लेंगे, फिर इनका क्या कर देंगे हम माइनस कर लेंगे। तो क्या है ये जबलमपुर, सतना और ग्वालियर, ऊपर जाओ DI के ऊपर, जबलमपुर, सतना और ग्वालियर, इनके अंदर आपको डिफरेंस बताना है मैन और वुमेन का, ठीक। तो आप यहां से भी डिफरेंस कर सकते हो, मैन और वुमेन का ही है ना, यहां पे डिफरेंस कितना है 2, देखते हैं वैसे आंसर आ जाएगा, वैसे मुझे लगता है अलग अलग करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। जैसे 2 यहां पे डिफरेंस कितना है 2 और यहां पे 1 की वैल्यू कितनी थी 4, ये टोटल 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 9, 6, 8, तो 1 इज इक्वल टू क्या है 2, 4, 2, 2, 4, 2, तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, क्या है यहाँ पे 1, 3 माइनस 2 यानी 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी है 1210,
जबलमपुर, सतना और ग्वालियर, यही थे ना 1210। तो वन की वैल्यू कितनी है, 242। कितनी है, 242। यहाँ पे ग्वालियर में देखो सेवन की वैल्यू कितनी है, फोर और थ्री कितने होते हैं, सेवन। सेवन की वैल्यू कितनी है, 1547। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 - 3 1। तो वन की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 और 1, 2 2 और 1, 2 2 और 1, यानी ये सारा क्या आ गया, इसका डिफरेंस आ गया। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये कितना बनेगा, 484 और 242 कितने हो गए, ये 627, 626, 626 प्लस 221, 626 प्लस 221, 749 यानी 947। तो डिफरेंस कितना हो गया इसका, 947। समझ आया, इसका आंसर यही आएगा। देखो एक तरीका तो ये है कि जबलमपुर, सतना और ग्वालियर इन तीनों का पूछा है। देखो एक तो ये है कि पहले आप मेन निकाल लो सबके, फिर आप इन तीनों के, फिर आप तीनों के वुमेन निकाल लो, फिर उनको ऐड करके तीनों ये ऐड करो, तीनों ये ऐड करो, फिर इन तीनों का डिफरेंस निकाल लो। इससे अच्छा है जब हमें मैन और वुमेन का डिफरेंस ही निकालना है तो हम यहाँ पे ही डिफरेंस निकाल देते हैं ना, हमारा टाइम बचेगा। यहाँ पे डिफरेंस दो का है तो दो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है वो निकाल लो, यहाँ पे वैल्यू वन है, वन का डिफरेंस है तो यहाँ पे वन की वैल्यू कितनी है वो निकाल लो, यानी जब पाँच की वैल्यू 1210 है तो एक की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे सात की वैल्यू 1547 है यानी 1547 है तो यहाँ पे डिफरेंस वन का है तो वन निकाल लो। वो सारे जो डिफरेंस निकाले हैं उनको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको, टाइम आपको कंज्यूम नहीं करना फालतू। ठीक है, तो 947 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आएगा। आगे देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वुमेन, द नंबर ऑफ वुमेन इन भोपाल मैक्स व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ वुमेन इन ग्वालियर एंड रेवा टुगेदर। जो भोपाल की औरतें हैं वो रीवा और ग्वालियर की औरतों का कितना डिफरेंट परसेंट है, जो भोपाल की औरत है, जो भोपाल की औरतें हैं, जो ये भोपाल की औरतें हैं, ये रीवा और ग्वालियर, रीवा और ग्वालियर इन दोनों, इनका क्या कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम भोपाल की निकालेंगे। भोपाल में हमने 9 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 121। पेपर में आप साइड में लिख लोगे ताकि आपको दोबारा से ना करना पड़े। तो 121 निकाली थी, 4 की वैल्यू क्या आएगी, 484। ये जो है परसेंट, इन दोनों का कितना डिफरेंट परसेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू निकालो। यहाँ पे जो हमने 15 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 15 की वैल्यू 1815, यानी 1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 121, 121। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की वैल्यू कितनी होगी, 784। और यहाँ पर ग्वालियर की पूछी है तो 7 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2 2 एंड 1। 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 6 और 6। इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि इनका परसेंट पूछा है, किनका डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का, जो लास्ट में देन के बाद दिया होगा ना तो वो चीज़ आपको नीचे रखनी है। तो दोनों का ऐड कर लो क्या आएगा, 0 1 एंड 5। तो ये इसका कितना परसेंट है, इसको सोल्व कर लो, आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये इतना समझ में आ गया तो आगे हम इसको करते हैं। ये 0 से 0 आपकी क्रॉस हो जाएगी, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, 5 6 7 ये किसी से कट नहीं रहा आई थिंक। तो हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज़ ही डिवाइड कर लो, 4840 को 141, यानी 15, अगर हम 15 3 45 करें, 15 4 60 ज़्यादा हो जाएगा, 15 3 यानी 3 पे करते हैं तो 3 and 45, तो 1 3 और 0, तो ये जाएगा लगभग 2 पे 2, यानी 2 और 30। फिर आएगा 8 0, फिर 0 यानी 3 2.0, उसके बाद जाएगा ये 5 पे, यानी ये यहाँ पे 0 लेंगे तो 15 5 = 75 लें, लगभग लगभग 5 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 32.05, क्या आएगा, 32.05, 32.05, 32.05।
ठीक, आगे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ भोपाल इज हाउ मच परसेंट लेस देन नंबर ऑफ मैन एंड मैन इन ग्वालियर एंड सतना टुगेदर। द पॉपुलेशन ऑफ भोपाल, भोपाल की जो पॉपुलेशन है, क्या भोपाल की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट लेस है। ये लेस मतलब यहाँ पे हम पहले माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम ये सीधा परसेंट पूछे तो हम उसकी परसेंट हमने अभी निकाली थी, लेकिन लेस पूछे तो हम पहले लेस करेंगे फिर उसको नीचे अंडर में लिखें। तो पॉपुलेशन ऑफ भोपाल इज हाउ मच परसेंट लेस देन मैन इन ग्वालियर एंड सतना। मैन इन ग्वालियर एंड सतना, पॉपुलेशन ऑफ भोपाल। पॉपुलेशन ऑफ भोपाल यानी ये जो भोपाल की पॉपुलेशन है वो मैन किस में, ग्वालियर और रतना, ये पूछा था। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ दोबारा से। ग्वालियर एंड सतना में मैन, ग्वालियर और सतना में मैन से कितना कम है। तो ग्वालियर और सतना में मैन निकालो। तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या थी, 1210। वन की वैल्यू क्या थी, 24। टू पे जाएगा, फोर पे जाएगा टू। तो यहाँ पे मैन यानी थ्री की वैल्यू क्या होगी, 6। टू और सेवन, और यहाँ पे ग्वालियर में क्या होगी, सेवन की वैल्यू क्या होगी, 221। यहाँ पे फोर की क्या होगी, 48 और 8 यानी 010 और 16। ये जो है 1610, 1089 से कितना कम है। 1610 जो है ज़्यादा, यानी 1089 जो है 1610 से कितना कम है। तो वन, उसके बाद टू, फाइव, तो इसके किसके कंपैरिजन में, 1610 के कंपैरिजन में। तो आप इसको यहाँ पे सोल्व कर लोगे तो अप्रॉक्स जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी आप इसको जो अपने आप इसको कर सकते हो, ओके। तो ये है आज की, आज का सेशन। तो ये है आज का सेशन जिसमें हमने टैबलो डीआई करी। यह हमने एक ही करवाई है ताकि आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, वन वन करेंगे। जैसे कल मैं आपको टैबलो डीआई परसेंटेज के फॉर्म में ले आती हूँ। देखो इसको करना इजी होता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन इसको कम टाइम में कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो कल अगर हम हो सकता है कि इंग्लिश की क्लास भी लें, हो सकता है मैथ की क्लास लें, तो वो श्योरिटी नहीं है, वो मैं आपको कल शाम तक, इवनिंग में, लेट इवनिंग तक जो है व्हाट्सएप पे लगा दूंगी, तो और टेलीग्राम पे भी लगा दूंगी। तो आप इसको टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा जो मैंने अभी बताया था उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, टेक केयर, बाय बाय।